नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद उषा ततिवाल के वार्ड 136 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्षद उषा ततिवाल जी कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कराते हैं भाई साहब। हाँ, अच्छा हो रहा है काम। कभी कोई समस्या लग रही है? कभी आधी रात भी जाओ तो तुरंत हाजिर होते हैं। व्यवहार कैसा? व्यवहार बहुत बढ़िया साहब। अभी समस्या क्या हो रही है? अभी कोई समस्या नहीं है, अभी सब बढ़िया है। पहले क्या थी समस्या? पहले भी कोई समस्या नहीं थी, वो जब से पार्षद है तब से कोई समस्या नहीं आई है, बढ़िया है। मेरा नाम प्रकाश चंद अग्रवाल, अध्यक्ष महेश नगर व्यापार मंडल। आपकी जो पार्षद है उषा टाटीवाल जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? उषा टाटीवाल जी काम पहले भी ये पार्षद रह चुकी हैं, अभी भी लोगों ने इसको चुना है। इनकी खासियत यह है, काम के लिए कोई भी यदि कोई कहता है तुरंत उस काम को करवाती हैं। अभी महेश नगर व्यापार मंडल में भी जैसे अभी रोडों का जैसे मान लो कोई काम होता है, नाली रुकी हुई है, तुरंत सफाई के मामले में कहते हैं तो तुरंत उसकी कार्रवाई करके सफल करवाती हूँ। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है इनका। पास जब भी कोई जाता है, व्यापार मंडल के लोग नहीं बल्कि जनता भी कोई जाती है उनके पास में, तो तुरंत उनका काम करती है। समस्या क्या आपके बारे में? समस्या एक तो अभी जो है, एक तो ये अठवाड़े का मामला बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। महेश नगर व्यापार मंडल ने कई बार लिख के दे दिया और कुछ नाले भी यहाँ जो है बंद पड़े हुए हैं। इसके लिए व्यापारियों से समझाइश करके व्यापारियों ने दुकानों का आगे बुक बना रखे हैं, तो इससे क्या है कि पूरे नाले बंद पड़े हैं। और अभी कल परसों भी सफाई हुई है नाले की, कह करके मैंने पार्षद महोदय से कह कर करवाई हुई सफाई। तो पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना? मेरे हिसाब से तो आज 136 वार्ड की जो ये जो टाटीवाल जी है, 10 में 10 मानूंगा मेरे हिसाब में। आज जिस हिसाब से इनके काम से हम जो संतुष्ट हैं, मैं क्या बल्कि पूरा बाजार में भी यदि आप इनके सर्वे करवाओगे तो टाटीवाल जी को सबसे ज़्यादा ही इनको वोट मिलेगा और जीतने का श्रेय भी इनका जो है, आज जनता ने जो इनको जो विश्वास में वो किया है तो इन्होंने उस हिसाब से भी जनता के वो कर रहे हैं। सोनलाल गुप्ता। अच्छा करा रही हैं और यहाँ वाले स्पेशली सफाई वाले तो और भी अच्छे जो दो जने करते हैं, है ना, अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई नहीं, गाड़ी भी कचरा उठाने वाली भी शाम को 2-3 बार आती है ना, और कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट ठीक है। संतुष्ट हैं आप पार्षद के साथ? बिल्कुल पार्षद से। राजेंद्र, आपके वार्ड में साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई खूब रहती है। कचरे की गाड़ी आती है? हाँ, कचरा आती है। कोई समस्या है वार्ड में? नहीं 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 नहीं। तो दीपक प्रकाश कुमावत। कहाँ रहते हो? महेश नगर बी ब्लॉक। आपकी जो पार्षद है उषा टाटीवाल जी? हाँ जी। कैसा काम करा रहे हैं मैडम? वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कभी कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? हाँ बिल्कुल, सुनवाई करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 सालों में क्या काम हुआ? काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। साफ सफाई का पूरा ना जो रखा जा रहा है ध्यान, घर घर गाड़ी घूम रही है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जेडीए गार्डन को भी है ना जो काफी है ना जो वो कर दिया इन्होंने डेवलप। अभी समस्या क्या आपके बारे में? ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। हाँ सब बढ़िया चल रहा है। शर्मा, आपकी जो पार्षद है उषा टाटीवाल जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम बोलते हैं तो प्रॉब्लम विद इन 7 डेज सॉर्ट आउट हो जाती है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हमने तो जो भी कोई काम उनको कभी बताया, कोई सफाई से रिलेटेड या ऐसा, तो उन्होंने हमेशा पूरा किया। अभी समस्या क्या आपके बारे में? ऐसी तो कोई विशेष नहीं, पर जनरल जो समस्या सफाई की होती है वो बस कभी गंदगी होती है तो बोल देते हैं, वो करवा देती है सफाई। वार्ड नंबर 136 की पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है उषा टाटीवाल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के बारे में। मैम, सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा? दो साल का कार्यकाल सो रहा है, ज्यादा ठीक भी नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं। बाकी
काम तो देखो सरकार नहीं है तो हमारे काम तो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। एक ही हमें बजट मिला, उसमें हमने जो भी विकास कार्य जो पिछले थे जिनको की बहुत जरूरत थी, रोड वगैरह जो कि मैंने मेरे फर्स्ट टाइम में रोड बनाई थी, उसके बाद दोबारा रोड नहीं बनी थी, वहाँ पे मैंने जो बजट मिला था उसको वहाँ पे काम में लिया। देखिए आपका जो पिछला कार्यकाल रहा अच्छा रहा या बुरा रहा उसको तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो कमियां रह गई थी पिछले कार्यकाल में वो इस बार पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? मतलब पिछले कार्यकाल में तो ऐसी कमियां ही नहीं थी, काम होते थे, कोई कमियां नहीं थी। चुनाव अभियान के दौरान कुछ वादे किए हो शायद? वादे किए वही मैंने निभाए थे जो मैंने स्टार्टिंग में पब्लिक से वादा किया था कि जहां मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि यहाँ सड़क बननी है, चला नहीं जा रहा, क्योंकि जब मैं चुनाव प्रचार के लिए गई थी तो लोग मेरे से कह रहे थे कि मैडम संभल के चलिएगा, ये ग्रेनाइट की सड़क है, आप गिर सकती हैं फिसल के। तो हकीकत में वो ग्रेनाइट ही था कि चलना ही दुभर था कि इंसान कैसे चलता था। सड़क की इतनी बदहाल हो रही थी कि मुझे उनसे वादा, उन्होंने मेरे से कहा आपको हम इसी वादे पे वोट देंगे कि आप जब भी आपको बजट मिलेगा आप हमारा काम करवाएंगे। मैंने कहा ये मेरा वादा है, जब भी मेरा अगर मैं जीत के आती हूँ, क्योंकि जीतना मेन होता है, मैं जीत के आती हूँ तो जो मेरा पहला बजट आएगा वो मैं आपके यहाँ लगाऊंगी, और वो काम मैंने करवा दिया। जानना चाहेंगे सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपका? देखो ये वैसे तो वार्ड आपको अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो ये जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था 1994 जब ये बिल्कुल अनडेवलप एरिया था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई सीवर लाइन नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, हम लोग भी जैसे कॉलोनी के लोग मिलके एक समितियां बनी हुई होती थी, उन समितियों के माध्यम से पैसा हम कलेक्ट करते थे और बल्ब हम अपने पैसे से लगाते थे रोड लाइट के लिए। तो शुरू में ये हालत थी, लेकिन जब मैंने पहला चुनाव लड़ा उसके बाद मैंने हर खंबे पे लाइट लगाई, हर खंबे पे, मतलब मैंने एक रोश कहते ना रोशनी जो होती है पब्लिक को, पहली बार जो काम किया वो रोशनी का किया। देखिए आपने कहा कि रोशनी का किया, अब मैं जानना चाहूंगा लाइट कितनी लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में 2 साल में? देखो 2 साल में मैंने करीब 150 लाइटें लगाई, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लगाते हैं, पहले भी पार्षद आए उन्होंने भी लगाई हैं, इतने जितने पोल हैं लाइट होती है, बस ये है कि कोई लाइट खराब हो जाती है या कोई उसका सामान पूरा नहीं है प्रॉपर, तो फिर उसको चेंज करनी पड़ती है। मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? मुख्य समस्या ऐसी तो मेरे वार्ड में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ वो कच्ची बस्ती नहीं है, कच्ची बस्ती में ज़्यादा समस्याएं होती हैं, वो मेरे वार्ड में नहीं है, बाकी पूरा डेवलप एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो सफाई व्यवस्था पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है? तो सफाई व्यवस्था आपको मैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे यहाँ सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, मतलब 15 सफाई कर्मचारी हैं जिनमें 2 जमादार और 1 इंस्पेक्टर है, वो तो काम करेंगे ही नहीं, बचे 12 सफाई कर्मचारियों में हम इस तरह काम कराते हैं। हमने एरिया अलग अलग हिस्से में दिया हुआ है कि डेली हम बताते हैं कि आज आपको इस एरिया को कवर करना है, और वहाँ पे कवर करने का मतलब ये नहीं है आप चले जाएंगे और काम हो जाएगा, आप जाके वहाँ के बंदे से मिलेंगे जहाँ हमने लगा रखे लोगों को, उनसे मिलेंगे और कार्य पूरा होने पे आप हमें फोटो भेजेंगे कि आपने ये कार्य पूरा किया है, फिर हम अपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हर कॉलोनी के, उनमें जहाँ जाते हैं वहाँ पूरे जो भी काम होते हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, ताकि सबको ये ध्यान रहे कि काम हो रहे हैं। देखिए आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मैं बिल्कुल आदर्श वार्ड बनाने में पूरी तरह अपने आप को झोंक दूंगी। देखिए आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील है कि जनता अपना मतलब मेरा सहयोग करे, क्योंकि देखो काम तो काम के हिसाब से होते हैं, हमारी सरकार नहीं है, कई जगह ऐसे भी होती हैं हम कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने का वो है, बाकी काम तो मैं 100% करके जाऊंगी। राजनीति में कब से सक्रिय हैं? मैं राजनीति में 1994 से सक्रिय हूँ, पहला चुनाव मैंने 1994 में लड़ा, फिर उसके बाद मुझे दोबारा से रिपीट किया गया और मेरा वार्ड छोड़ के मुझे यहाँ महेशनगर से खातीपुरा हसनपुरा जो एरिया है वार्ड नंबर 7 होता था वहाँ से मुझे टिकट दिया और मैं वहाँ भी जीत के आई और अच्छे मतों से जीत के आई,
फिर मुझे पर्यावरण समिति, विशिष्ट योजना में पर्यावरण समिति का चेयरमैन बनाया गया। वो मेरे 10 साल कंटिन्यू थे, वो मैंने बहुत अच्छा बखूबी काम किया और उस काम के मान लो, और पार्टी का जो हमारा पार्टी का आना जाना है, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी के साथ हम चाहे पार्षद रहे ना रहे, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ खड़ा होना है तो यहीं खड़ा होना है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार आ रही है और अच्छे बहुमत के साथ आ रही है जी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान में कई ऐसी समस्याएं हैं, जिस तरीके से आप जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत जनाक्रोश रैली हमारे लिए बहुत जरूरी है और जरूरी थी, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है जो कांग्रेस के उसमें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा है कि वादे किए गए, वादे केवल कागजी वादे चले हैं और कुछ नहीं हुआ है, और महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना कहते हैं ना घर घर बार गिरवी रख देते हैं, ये मान लो आप बच्चे को पढ़ाने के लिए। आज जो इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो आप जानते हैं कितनी महंगी महंगी होती है, और वो इंस्टीट्यूट की फीस भरते हैं, और होता यह है कि पेपर आपको सरेआम खरीदने को मिल जाएगा, आप खरीद लो जितने मर्जी पैसे में। तो वो जो बेचारे बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को किस किस तरह पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है ना। आप तो पेपर बेच रहे हो, लेकिन उन बच्चों का और उनके भविष्य का क्या है? देखिए, बचत बढ़त राहत को बताते हुए राजस्थान में बजट पेश किया गया आज के तकरीबन एक महीने पहले, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेकर ये कहूंगी, जो पहले वादे किए हैं उनको तो निभा लें। नए नए वादे आप कर रहे हैं पब्लिक को लुभाने के लिए, लेकिन जो पिछले वादे हैं उनको तो निभाएं आप, फिर अपने आगे के वादे करें। पिछले कोई वादे पूरे नहीं होते हैं, तो उन वादों को पूरा करें। मैं जानना चाहूंगा आपकी जो विधानसभा है, मालवीय नगर विधानसभा, उसमें किस तरीके से एक्टिव है आप? विधानसभा में मतलब आप थोड़ा मुझे जो एमएलए जो चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? उनके लिए पूरी तैयारी है, मतलब हमने इतने काम करवाए हैं, करवा रहे हैं। उन्होंने अब विधायक कोटे से, मैंने ये मान के चलो करीब एक करोड़ 60 लाख रुपए के काम करवा लिए विधायक कोटे से, और ये हमारे, मैं ही नहीं करवा रही हूँ, हमारे सारे पार्षद करवा रहे हैं। मेरे नगर निगम से तो केवल 50 लाख के कार्य हुए, बाकी जो भी कार्य हो रहे हैं, गार्डन के देख लो, अभी हमने सामुदायिक केंद्र है वहाँ पे गार्डन में, पहले उन्होंने विधायक कोटे से सेंक्शन किया हुआ था, उस विधायक कोटे से उसका कार्य अभी हमने पूरा किया, अभी करीब 10 दिन पहले ही उसका उद्घाटन किया है। और इसके अलावा हमारे CCTV कैमरे भी विधायक कोटे से सेंक्शन हुए हैं, उनके पोल लग चुके हैं, अब कैमरे लगने बाकी हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे रूपनगर सेकंड है, उसमें भी उद्घाटन किया है CC रोड का, तो वहाँ वो भी विधायक कोटे से हुई है। अभी चंद्रकृपा गार्डन महेश नगर B ब्लॉक में हमने सड़क निर्माण का कार्य कराया।